हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिन पौधों की मैंने प्रूनिंग की थी और रूट प्रूनिंग की थी, उनका मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा टाइम है, रेनी सीज़न। आप भी अगर किसी प्लांट की प्रूनिंग करना चाहते हैं या रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से चल जाएंगे प्लांट। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये हिबिस्कस का प्लांट है, गुड़हल का, रेड वाला है। देखिए, इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ आ गई हैं और इसकी मैंने रूट प्रूनिंग भी की है और ऊपर से भी मैंने प्रून कर दिया है। और मैंने उसी गमले में लगाया है क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल में कोई पॉट नहीं था, तो मैंने उसी गमले में लगा दिया है। और इसको तो मैं सोच रही हूँ बोनसाई रखने का, तो अभी देखते हैं, इस पे काम चल रहा है। और ये वाला, इसकी भी मैंने रूट प्रूनिंग की है, ऊपर से भी प्रून किया है और उसी पॉट में मैंने इसको भी लगाया है और इसमें भी छोटी छोटी पत्तियाँ आ गई हैं। और इसकी मैंने एक कटिंग भी वहीं साइड में लगा दी है, जैसा आप देख रहे होंगे। और ये देखिए, मैं आपको साथ में अपने गार्डन के फ्लावर्स भी दिखाती हूँ। अडेनियम बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, ये देखिए। और साथ में मेरी मेहंदी भी, आप बताइएगा आपको कैसी लगी। और मेरी आवाज़ में थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी अभी इधर थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसीलिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा वॉइस को इग्नोर करिएगा। और ये देखिए, ये सारे फ्लावर्स बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। मतलब रेनी सीज़न में तो पूरी, जैसे बोलते हैं ना, काया पलट हो जाती है प्लांट्स की, एकदम हैप्पी हो जाते हैं। और ये मुझे गार्डन में एक नया प्लांट मिला, ये बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं वाइट विनका ले आऊं, बट ये पता नहीं कहाँ से आ गया और ये मेरे पास था नहीं, तो अभी मैं इसको सेपरेट करूँगी। और ये वाइट फ्लावर्स तो बहुत ढेर सारे खिल रहे हैं, रेड वाले उतने नहीं खिल रहे हैं, बट वाइट वाले तो बहुत ढेर सारे खिल रहे हैं। छोटा प्लांट है और अभी छोटे प्लांट में ही 10, 11 फ्लावर्स, 12 फ्लावर्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं पूरे ये गुच्छे में। और ये मधुमालती का भी मैंने प्रूनिंग किया है, इस पे भी पत्तियाँ आ गई हैं। तो आपको जो भी लगे, जिसको भी आपको प्रूनिंग करना है, या तो फिर बहुत ज़्यादा जड़ों से वो प्लांट भर चुका है, अगर आप पॉट चेंज नहीं भी करना चाहते। और ये देखिए, गौरी चौरी का प्लांट, इसमें भी पत्तियाँ आ गई हैं। तो अगर आप पॉट नहीं भी चेंज करना चाहते हैं तो आप रूट प्रूनिंग करके और ऊपर से प्लांट प्रूनिंग करके आप उसी पॉट में लगा सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे ही लगाया है और ये पूरा फिर पत्तियों से भर जाएगा, फ्लावरिंग होगी। और ये देखिए, ये रेड वाला मेरा रोज़ है। तो अभी चलिए मैं आपको थोड़े से फ्लावर्स दिखा देती हूँ। अभी मैंने ऊपर इतना ही काम किया है, अभी फ़िलहाल में मेरे गार्डन में यही सब काम चल रहा है, रूट प्रूनिंग का और प्रूनिंग का। तो अभी मैं आपको नीचे का भी दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। नीचे भी मैंने कुछ प्लांट की प्रूनिंग वगैरह की है। अलमांडा बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, कितने बड़े बड़े फ्लावर्स इसके होते हैं। और सबसे फेवरेट मेरा कलर हिबिस्कस में ये वाला है, डार्क पिंक कलर का होता है, बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, मैंने कटिंग भी लगाई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ड्रेसिना की, जो बहुत अच्छे से चल गई है। और ये देखिए सारे फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स, आप भी कटिंग ज़रूर लगाइए और जो भी आपको प्लांट को सही करना है आप सही करिए, क्योंकि रेनी सीज़न बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। और अलमांडा कई कलर्स में आता है, बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा मेरे आने वाले सभी वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए। लाइक कीजिएगा, थैंक।